स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूँ आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। बीटिंग रिट्रीट समारोह की वजह से दिल्ली के कई रास्तों पर आज रूट को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो राजपथ, विजय चौक और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने से बचे। राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। ये चुनावी नतीजे 31 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये नतीजे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे। पिछले महीने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ये पहली छत्तीसगढ़ यात्रा होगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ ढोल आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन के जरिए बीजेपी जनता के बीच केजरीवाल सरकार की खामियों को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिले उपहारों की नीलामी की जा रही है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट शुरू की है। जो भी धनराशि इस नीलामी के जरिए एकत्रित की जाएगी उसका इस्तेमाल नमामि गंगा परियोजना के लिए किया जाएगा। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।